इसे कहते हैं तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस. जोरदार तालियां, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर राधिका अभिमन्यु एंड कुलशान. कांग्रेचुलेशंस. सबसे पहले ये कौन से वाले हैं? नहीं नहीं, गुलशन आपसे ही पूछ रहा हूँ. कौन से, ये कौन से वाले हैं? लंबे सब 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 है ना. थैंक यू सो मच फॉर द लवली परफॉर्मेंस गाइस. दोनों तीनों हैं ये. अभी व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ लुक एट द सॉन्ग. बट बिफोर दैट, राधिका आप ज्यादा तोड़ रहे हो या अभिमन्यु ज्यादा तोड़ रहे हैं? दोनों तोड़ रहे हैं. मैं तोड़ रही हूँ, मैं फोड़ रहा हूँ. कितने लोग हैं जो आजकल ऐसे मिल रहे हैं एकदम ऐसे की राधिका एकदम मैं नमस्ते करता हूँ. नमस्ते करते करते मैं उसको ऐसे ही मिलता हूँ. वो सन्नी देओल का कितने किलो का हाथ है? इसका 5 किलो का. He's just done it. मतलब अभी आपने न्यूज़ नहीं नहीं, I'm not joking, serious है. इसको पढ़ा है? पढ़ा तो ऐसे मुझे पढ़ी है ऐसे. ये करती थी तो मैं राधिका. अभिमन्यु इसे कहते हैं तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस. अ लॉट ऑफ पीपल यू नो, जब से हमने ट्रेलर देखा है, इतने सारे अवार्ड्स ऑलरेडी जीत लिए हैं, बहुत सारी तारीफ हो रही है. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग भाई यही है अपना अगला क्विंटेसेंशियल हीरो. क्या बोलने का है? नहीं यार, कोशिश कर रहा हूँ. हाँ. मेहनत कर रहा हूँ बस. 21 मार्च को देखना क्या होगा. उसमें मजा आएगा. देखो मैंने क्या गलत बोला, एकदम हीरो बोला ना इंडस्ट्री का. देखो दो दो लोग माइक पकड़ के खड़े हैं उसके लिए. क्या पोज था ब्रो? व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ लुक एट द सॉन्ग. द ये मारा भाई. ये जैसे इंडिया में आजकल चल रहा है कि किसी और का काम अपने को क्रेडिट, ये मुदस्सर ने बनाया वीडियो, मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाई है. बट सर जहाँ से आइडिया जर्मिनेट हुआ सर, हम आपको पूरा क्रेडिट देंगे. यहाँ भी नहीं ले, चाहिए नहीं हमें क्रेडिट, नाम भी किसी और का लिख दो. सर ये जो कास्ट है ये कमाल की, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं चाहता हूँ ये बता दो आप बस मेरे को. तो इनको तो मैं 2.5 साल से जानता हूँ, अभिमन्यु और राधिका को. क्योंकि अभिमन्यु से हमने बहुत मेहनत कराई. 1.5 महीने ऑडिशन कराया, फिर उसके बाद उसको बहुत ठंडे तरीके से बोला भाई तुझे पिक्चर मिल गई है. और फिर राधिका ने बस एक वीडियो भेजा, हाय आई एम राधिका, हमने सेलेक्ट कर लिया. ये फिल्मी लोगों की कहानी ऐसी होती है, या तो पूरा पूरा प्रोफाइल भेज दी, ये भेज दी, नाम एज घर गाँव सब, फिर भी नहीं मिलता कुछ. गिव इट अप फॉर राधिका लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, जोरदार तालियां. अभिमन्यु दसानी द रॉक स्टार ऑन द ब्लॉक एंड ऑफ कोर्स हमारे विलन साहब. सर ये दो विलेन वाला आइडिया ये गुलशन को देख के कहाँ से क्या आया? मतलब एक हमने फिल्म बनाई थी पेडलर्स, जो किसको पता नहीं है. यहाँ पे इरोस के ऑफिस है, उनके पास पड़ी है, हार्ड डिस्क को दे नहीं रहे. तो उसके बाद 6 साल लग गए फिल्म बनाने में. तो मैंने बोला यार गुलशन दो रोल कर लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा और पुराने की भरपाई भी हो गई यहाँ पे. ऑलराइट, सो दिस इज द टीम. एंड क्या बोलते हो, मतलब मेरे को तो लग रहा है अब जब डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं तो इतनी सी परफॉर्मेंस वापस होती है आफ्टर वी हैव ऑलरेडी सीन द सॉन्ग. व्हाट डू यू पीपल से? अरे भाई इनको लगे साउथ की पिक्चर है. हिंदी पिक्चर ही है सर. ये ठप्पे बड़े सारे आप पहले से बोल रहे हो, आप कह रहे हो फेस्ट वाली नहीं लगनी चाहिए, शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया. अरे जब आप देखो, आप है ना बहुत हिम्मत करके न्यू कमर्स के साथ फिल्म बना लेते हैं. फिर है ना सबसे पहले मार्केटिंग मीटिंग एक होती है, वो देख के बस देखते हैं बोलते हैं क्यों बनाए. तो फिर वहां से स्टार्ट होती है ये. तो ये सारे डिस्क्लेमर उसके वजह से डालने पड़ते हैं. We've already seen the videos जो ऐसा वायरल हुए जहाँ पे आप लोग का इंट्रो टाइप्स कुछ हुआ है, वो नेपोटिज्म की बात हो रही है, इसकी हो रही है उसकी. Tell us something about that. जी सच्चाई है और क्या. पहले से पहले ये लोग तैयार हैं भाई. जी सच सच दिखाया है, जो भी दिखाया है. और तभी शायद पसंद भी आया लोगों को. तो कोई उसमें फिल्टर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम ना प्लानिंग करेंगे. सर ने बोला जा अपनी भड़ास निकाल दे. मैं बोला श्योर सर. राइट अभिमन्यु, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर थिंग, आपका जो वीडियो एकदम. आई मीन जो सच है वो सच है ना. हाँ. मीन करना है तो करना है. मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है ना. गुलशन क्या बोलना चाहेंगे इन दोनों की कमाल की केमिस्ट्री के ऊपर? विलन दोनों ने मुझे पैसे दिए हैं. हाँ, तारीफ. तो मेरी एक्टिंग थोड़ी सी कम लगेगी इसमें, इसीलिए गाने में भी मैं थोड़ा कम ही हूँ. तो नए लड़के उनको चाहिए था, तो मैं बहुत बिकाऊ एक्टर हूँ, तो मैंने डील कर लिया उनके साथ. आई नो बहुत सारे इस सब के बाद बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे. सो इट्स ओवर टू द मीडिया, यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस. कहाँ से शुरू करेंगे? अच्छा स्पीचलेस हो गए सब यहाँ पे हैं, इतनी कमाल की. पाजी वील स्टार्ट विथ यू. जी एंड अरुण तो तैयार बैठे हैं मुझे पता है. दे दो भाई माइक. अरे आई विल कम यार, ऐसे कैसे. ओके पूरी टीम को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. मतलब ट्रेलर भी आउटस्टैंडिंग है और ये गाना भी आउटस्टैंडिंग है. जो आपकी जिस तरीके से आप मार्केट कर रहे हो वो भी आउटस्टैंडिंग है. सो मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, सर आपने जो टी शर्ट पहनी एंटर अ ड्रैगन,
यही आपका इंस्पिरेशन है बिहाइंड दिस सेंट्रल कैरेक्टर जो अभिमन्यु भी है जिनको दर्द नहीं होता. So what do you want to say about it? Definitely one of the है क्योंकि मेरा एक कजिन हुआ करता था जो ये पोज कर सकता था और मैं कभी नहीं कर पाया आज तक. तो मैं चाहता था कि जब मैं फिल्म बनाऊँ तो मेरा हीरो जो है वो ये कर पाए. तो ऐसे सीन्स हैं कुछ फिल्म में उसके. तो डेफिनेटली मतलब जैसे कोई ना कोई आपको ब्रूसली से कभी ना कभी इंट्रोड्यूस कराता है लाइफ में और आप जब पहली बार देखते हो बचपन में तो यू इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू. सो इट हैज़ कैरी फॉरवर्ड, इट स्टिल हैज, एंड दैट इज वॉट प्रॉब्ली यू नो लेड टू दिस फिल्म एज वेल. अभिमन्यु वेलकम टू द इंडस्ट्री. ये बताइए कि जो आपकी मेहनत रही है, सर ने कहा कि एक डेढ़ महीने आपके पूरे ऑडिशन रहे हैं, तो ऑडिशंस के दौरान व्हाट वाज द प्रोसेस एंड तैयारी जिस तरीके से आपने मार्शल आर्ट्स किए हैं, सो प्लीज टॉक अबाउट दैट आल्सो. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था. पहले दिन मैं ऑडिशन के लिए गया तो आई डिडंट गेट अ चांस, आई वेटेड द होल डे आउटसाइड. सेकेंड डे सेम चीज़ हुआ. थर्ड डे जब भी मैं गया तब शुरू हुआ, हमारी कहानी शुरू हुई. अबाउट 4-5 वीक्स एवरी डे आई यूज टू गो गिव सम ऑडिशन. शॉर्टलिस्ट हुए. After a point, I used to tell sir, sir, आपको अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, कुछ तो बताइए. तो सर का एक डायलॉग रोज मुझे मिलता था, कल आ जा कुछ करते हैं. तो इवन ऑन द डे दैट ही एक्चुअली टोल्ड मी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म, ही फर्स्ट टोल्ड मी कल आ जा कुछ करते हैं. तो मैं बाहर चलने लग गया, तब मुझे वापस खींच के ले गया, अच्छा सुन तू है भाई. बट या आफ्टर दैट आई स्पेंड सो मच टाइम विद वासन सर एंड स्पोक अबाउट व्हाट सूर्या इज एंड हाउ I should develop into Surya. So we went around nine months of hardcore training. उसके पहले मुझे martial arts नहीं आता था. तो 3 hours in the morning with everyone, and then 3 hours मैं घर जाके शाम को भी training करता था. 6 hours of martial arts every day. Physical training रहती थी, biology, human anatomy, physical rehab because Surya can fix himself. तो वो बहुत सीखने को मिला. And last 3 महीने जो थे shoot के पहले I went into isolation. So I used to speak to Vasan sir and only my trainers. I want to tell you why, but आपको picture देखनी पड़ेगी. Actually, पहले जब 4 बार मिला था मुझे पता नहीं था कि whose son he is और where does he belong to. और तभी वो रिक्शा में ही आता था. फिर जब select हुआ उसके बाद फिर ऑडी में है. राधिका आपका क्या reaction था जब आपको पता चला कि अभिमन्यु किसके बेटे हैं? अच्छा, जब अभिमन्यु किसके बेटे हैं? जी, मैंने किस्सा काफ़ी बार सुना दिया, मैं फिर से सुना देती हूँ. तो जब मैं पहली बार वासन सर से मिली थी तभी उन्होंने बोला था कि अभिमन्यु स्टोरी बताओ. तो मैं सुन रही थी तो इन्होंने मुझे बोला एक्शन फिल्म है. ठीक है, तो मेरे माइंड में था टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, ऐसे लंबा चौड़ा, 8 पैक्स और पता नहीं क्या क्या. तो मैंने बोला ये सब तो ठीक है सर, पर हीरो कौन है? तो उन्होंने बोला ये, और मैंने शॉर्ट्स में, टोपी में और ऐसे टी शर्ट में ऐसे बैठा हुआ था. मैंने बोला ओके, मतलब इतना क्यूट सा, स्वीट सा, कोई मैंने देखा नहीं है कि यू नो कि एज अ हीरो प्रेजेंट किया गया. एंड फिर मुझे लगा नया आदमी, तो मैं उसको ऐसे बुली करती थी, किया क्या है तुमने लाइफ में, कम से कम मैंने 1.5 साल तक टेलीविजन तो किया है, तुमने क्या किया? और ये बेचारा ऐसे कि नहीं मैं असिस्ट करता था, ये करता था, वो करता था. 4 महीने बाद मैंने साइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट. 4 महीने बाद इसके घर पर रीडिंग होती है. ये ऑटो में ट्रैवल करता था मेरे सामने. तो मैं इसको बोलती थी घर छोड़ दूँ, क्या करूँ घर छोड़ने के लिए, नहीं नहीं मैं ऑटो में. मैंने ठीक है, घर पे रीडिंग हुई तो मुझे लगा चल ठीक है घर पे है. तो मैं घर के बाहर आई तो मैंने पहले पूछा ये तेरा घर है? गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, कोठी. मैंने बोला चल अमीरों का. फिर रीडिंग चल रही थी, रीडिंग ख़त्म हुई, मैं जूते पहन रही थी. इसके पापा वापा सब मिलने आए, कुछ नहीं मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं. जूते पहन रही थी, सामने फ़ोटोज़ लगी थी, तो भाग्यश्री जी की फ़ोटो थी. तो मुझे लगा वो जैसे फैन बॉयज़ नहीं होते कि स्टार्स के साथ ऐसे लगा लेते हैं. मैंने बोला अभिमन्यु क्या है, कौन है? तो मैंने बोला शी इज़ माई मॉम. मैंने बोला तू भाग्यश्री जी का बेटा है, मैं स्टार किड के साथ लॉन्च हो रही हूँ. तब मुझे पता लगा कि ओके, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट. तो इससे पता लगता है कि अभिमन्यु में कितना एटीट्यूड है, कितना वो पैसा शो ऑफ करता है एंड कितना बड़ा स्टार किड है वो. थैंक यू. Gulshan, what led you to sign this project? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर ये है कि आई लाइक वासन, आई बिलीव इन हिज स्टोरीज, आई बिलीव इन हिम. मुझे बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों इतना अच्छा लगता है. हम लोग बहुत गहरे दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वासन बुलाता है तो अंदर से ये इच्छा होती है कि चलो कर लेते हैं.
और मुझे पता था कि वासन काफ़ी टाइम से इस फिल्म को लेके जूझ रहे थे और बनाने की कोशिश में थे, और उसके बाद कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा था। मेरी एक एक्सीडेंट हो गई थी, नी सर्जरी हो गई थी, तो दो जब वासन मिला उससे 2 महीने पहले मैंने सर्जरी करवाई थी और पूरे साल की छुट्टी ले ली थी मैंने कि कोई काम नहीं करूँगा, रिहैबिलिटेशन करूँगा, क्योंकि काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी। तो वासन आया और वासन ने कहा कि ये फिल्म है, तुमको करना नहीं चाहिए लेकिन कर लो, क्योंकि कराटे फाइट करना है, डबल रोल है, दो भाई है, जुड़वा भाइयों का रोल है, एक कराटे फाइटर है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स जस्ट समटाइम्स यू जस्ट कांट से नो टू सम पीपल, एंड आई थिंक देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, इट जस्ट सीम्स लाइक इट्स द राइट थिंग फॉर यू टू डू। तो वासन ऑफर वॉज वन ऑफ दोज। वासन सर, इंडिया रिलीज से पहले फिल्म इंटरनेशनल फिल्म सर्किट्स में जा चुके हैं, अवार्ड जीत चुके हैं, सो उससे कोई प्रेशर ऐड होता है बिफोर इंडियन रिलीज? हाँ प्रेशर तो होता है, सबको लगेगा बोरिंग सी स्लो सी फिल्म होगी, तो इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि नहीं है तो कॉमेडी है, मतलब थोड़ा दिल लगा के देखो तो टोटल धमाल भी दिख जाएगा। तो हाँ मतलब फेस्टिवल में अच्छा ये लगता है कि रास्ते में जब मैं और राधिका चलता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं, राधिका से नहीं, और यहाँ तो कोई भी नहीं मिलता, मतलब राधिका को शायद इस लेन में मिलते होंगे, बालाजी के लेन है तो नहीं फेस्टिवल जाने में बहुत बड़ा मज़ा आता है, पर उसको इंडिया में आके फिर मार्केट करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि ये मतलब बट इट्स एन एक्शन कॉमेडी विच इज़ एविडेंट, सो या थैंक यू। हेलो सर, मेरा सवाल अभिमन्यु और उनसे सबसे था कि ये जो लाइन है मर्द को दर्द नहीं होता, इससे पहले एक फिल्म आई थी मर्द अमिताभ बच्चन सर का, उसमें उनके सीने पे लिखा हुआ था मर्द, तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, बट ये जो लाइन है मर्द को दर्द नहीं होता, इससे क्या वास्तविकता रियल में और फिल्मी में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था वो कहा था कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, तो उसके बाद हमारे जहन में घुस गया कि उन्होंने कहा था मर्द को दर्द नहीं होता, तो उन्होंने एक्चुअली ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। तो इसमें हाँ मतलब ये तो लिटरल है क्योंकि जो कैरेक्टर है उसे दर्द नहीं होता और वो लड़का है, तो इट वॉज लाइक अ लिटरल, हाँ वो एक ख्याल है, ये रियलिटी है इस फिल्म। जैसे राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म बनी थी गायब, जिसमें तुषार कपूर गायब थे, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो इसलिए था। और ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ एन एक्शन फिल्म जो कि 80s 90s से बहुत इंस्पायर्ड है, जहाँ पे मैंने फिल्में देखी हैं, जैकी चैन से लेके अमिताभ बच्चन से लेके अजय देवगन से लेके इवन हेमंत बिरजे जिन्होंने टार्जन बनाई थी, मतलब हम हर तरह की फिल्में देखते थे जो एक्शन वाली थी, तो ऐसे कोई टाइटल चाहिए था और ये काफ़ी फिट बैठ रहा था उसमें। राधिका आप टीवी लाइफ से कितना अलग देखती हैं फिल्मी लाइफ को आप? जी काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज टेलीविजन में मुझे नहीं लगता आपको कैरेक्टर के ऊपर इतना टाइम मिलता है यू नो स्टडी करने के लिए या उसकी लेयर्स और जानने के लिए, बिकॉज रात को टेलीकास्ट है जल्दी शूट करो। तो मुझे एक इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा कि मैं सर के पास गई और मैंने बोला सर आपको नहीं लगता इस कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसके साथ ये हुआ था, एंड आई वाज जस्ट मतलब मैं इतने पैशन के साथ उनके साथ डिस्कस कर रही थी और वो ना बस ऐसे ऐसे घूम रहे थे कि शूट करें। तो मेरे पास आए कहते बेटा जब आप मूवी करेंगे ना तब 2-3 दिन बैठ के इस सीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी ना टेलीकास्ट भेजना। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन एंड मूवीज, वेयर आई कैन डिस्कस वन सीन विद हिम फॉर अ वीक एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस। गुलशन जी, आप जिस तरह की एक्टिंग करते हैं तो अपनी कोई टिप्स दिया आपने इस न्यू कमर को अभिमन्यु राधिका जी को? वो पैसे दिए थे उन्होंने तो मैंने मदद कर दी मेरी तरफ से काफ़ी सारा, मतलब दोनों रईस खानदान से हैं तो नहीं, एक्चुअली हम लोग ट्रेनिंग साथ में करते थे और मैं जब पहला दिन मैं इन लोगों से मिला, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने, तो वो मैंने देखा तो मुझे कुछ टिप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ एक आध दिन कोई लेट आया तो मैं एक बार किसी को मैंने डांट दिया था थोड़ा सा प्राइवेटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जब आप देखते हैं इनको कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है तो मैं देने की कोशिश नहीं करता। आई थिंक बहुत ही तैयार और बहुत ही प्रिपेयर्ड है दोनों, फिजिकली मेंटली और ऑल्सो अपने काम को लेके बहुत तैयारी की है उन्होंने और टैलेंटेड भी हैं, तो मैंने सिर्फ एंजॉय किया इन दोनों के साथ काम करने का, बस एंजॉयमेंट रहा बस।
पूरी पेमेंट रखवा दो गुलशन की गाड़ी में, पूरी पेमेंट नहीं, नहीं बहुत सीखने को मिला गुलशन सर से, हाँ GST भी लगेगा। ओके अभिमन्यु जी एंड राधिका जी, आपका फेवरेट एक्शन हीरो? जैकी चैन। सिंथिया खान। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू सो मच। सारे कैमरे पता है ऐसे घूम गए थे कि अभी आ रहा है वो सवाल। अच्छा मेरा फेवरेट एक्शन हीरो पता है कौन है? हाँ जी कौन? मंदर पोंक्षे। ओहो सिंप्लिसिटी के साथ ऐसा ऐसा छोड़ दिया वहां पे। सर आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं, आपका एक्शन हीरो मतलब फेवरेट ऐसा बचपन से था सर कुछ, एक सुपर हीरो मेरे को क्रिएट करने का कुछ करना है जो यहाँ बना दिया? वो तो था ही बचपन से ऑब्वियसली जैकी चैन, उनके जारी जो सारी स्टंट्स हैं जो देख के हम लोग तो आज भी मतलब कोई नहीं कर पाता वो तो ऑब्वियसली हम। राइट सो दैट्स ऑल वी हैव। अच्छा सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर राधिका। राधिका द काइंड ऑफ फिल्म्स यू आर डूइंग, यू नो फॉर अ डेब्यू फिल्म दे आर क्वाइट अनसेफ दैट वे बिकॉज़ यू नो बट दे आर फन ऑफ कोर्स। सो व्हाट इज गोइंग इन द यू नो डिसीजन प्रोसेस एंड वर यू नॉट नर्वस के ऐसी फिल्म्स मिलेंगी? Of course, it's a good film because we've watched it last year. But जी जब मैं ऑडिशन देने जाती थी उस टाइम पे क्या होता है, beggars can't be choosers, ठीक है? तो जो भी मिल रहा होता है ना ले लेते हैं। तो जब ये फिल्म, मैं तो लैला मजनू के लिए ऑडिशन देने गई थी एंड ये फिल्म बस मेरे पास आ गई एंड जब मैंने रीड करी स्क्रिप्ट तब मुझे लगा कि मुझे करनी है, मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे एक्शन में इंटरेस्ट नहीं है बट मेरे को करनी थी। So I didn't choose this film, it chose me. Literally, मतलब मुकेश को मैंने बोल दिया था कि भाई ये लड़की को तो भेजेगा नहीं वहाँ, इम्तियाज अली को तो मिल जाएंगी और मेरे को नहीं मिलेगी। So it is not in my hands to be very honest कि be it पटाखा, पटाखा के लिए of course I auditioned and everything, पटाखा हो गई, मर्द को दर्द नहीं होता हो गई, इन दोनों से मुझे ये समझ में आया कि जब मैं प्लान करती हूँ चीज़ें तो वो बहुत ही बकवास होती है बट जब यूनिवर्स मेरे लिए प्लान करता है तब वो अल्टीमेट होता है। So, be it मर्द को दर्द नहीं होता, be it पटाखा, I think I've just lucked out with both the films and I'm so grateful for it. Hello, my name is Sandeep and I'm from Hindustan Times. My question is to Mr. Bala. Sir, the fact that this movie is based on a congenital disease, CIPA, whenever we see movies based on diseases for that matter, they meander towards the maudlin, they meander towards the soppy and very sentimental side. Was there any conscious decision that you kind of thought of making this film into, you know, a comic kind of a caper? मतलब जब पहली बार जब मैंने documentary देखी इसके बारे में तो obviously it was everything what you said. But then I always wanted to make a film like say Life is Beautiful, जिसमें आप Holocaust के बारे में बता रहे हो पर you know you're showing it in a very different way. तो and I was very sure कि ये तो comedy होगी क्योंकि पिछली बार एक film बनाई थी थोड़ी dark सी हो किसने देखी नहीं. तो ये तो कॉमेडी होनी थी मतलब कॉन्जेनिटल होती कैंसर होती मुझे नहीं मतलब इट वुड हैव बीन अ फिल्म दैट वुड हैव गॉन बियॉन्ड द कंडीशन एंड सेलिब्रेटेड द ह्यूमन स्पिरिट। नितिन जी, नितिन जी एक मिनट। राधिका अभिमन्यु, नितिन जी को जानते हैं आप? बड़े ही मतलब प्रगतिशील और निरंतर इतने सालों से लगे हुए हैं, बड़े ही प्रतिभावान और वाक्पटु, चतुर और बुद्धिमान हैं और आज के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक और संचालक हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। फॉर इट सर। तो मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट हैं आप आज के समय में, बधाई आपको। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू, आई लव यू सर। राधिका आप टीवी से फिल्मों में आई हैं, जो आप काम अब कर रही हैं उनमें कल कई एक्ट्रेसेस को बहुत समय लग जाता है जो एक्शन सीन्स या प्रोजेक्शन, दीपिका हुई या और भी लोग हुए, पर आपको दूसरी फिल्म में मिल रहा है, आपको लगता है ये आपकी और इम्पैक्टफुल कर देगा इमेज फिल्म हिंदी सिनेमा में? जी मैं इतना ना सोचती नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने और ये मेरी दूसरी नहीं, मेरी पहली फिल्म है एक्चुअली, पटाखा वॉज माई फर्स्ट फिल्म, पहले रिलीज हो गई थी वो। बट आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे पहली मूवी में ही मौका मिल गया कि जा एक्शन कर फुल ऑन। बट मैं इतना नहीं सोचती कि अब ना मैं ये प्रोजेक्ट करूँगी तो मेरी ये इमेज बन जाएगी, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं। सो आई एम जस्ट डूइंग वट एवर इज कमिंग टू मी एंड वट एवर माई गट इज सेइंग यस टू एंड या दैट इज इट। और एक्ट्रेसेस भयभीत हो जाएंगी आपसे, आपको लगता है ऐसे? भयभीत मैं हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ कहूँ
राधिका ने इस फिल्म में जो किया है ना है इसके मतलब टैलेंट के इसके बराबर टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री में, बट राधिका ने इस फिल्म में जो किया आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू इट. थैंक यू. अभिमन्यु, व्हेन योर मॉम डेब्यूट इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, और उस तरह की लोकप्रियता और उस तरह का डेब्यू शायद ही कभी किसी को मिला. आपको लग रहा है कि ये फिल्म शायद आपको उतनी ही उस वैसी हो पाएगी आपके लिए? आप लोग मेरे को भाग्यश्री दी एक्ट्रेस का बेटा बुलाकर बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हो. आई डोंट डिजर्व दैट क्रेडिट. हर एज एन एक्ट्रेस हैज अचीव्ड सो मच इवन 30 इयर्स फ्रॉम द डे ऑफ द रिलीज. यू एंड व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो पीपल रिमेंबर हर एज सुमन एंड हर कैरेक्टर हैज लिव्ड फॉर 30 इयर्स. आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फिस. आई एम ट्राइंग टू मेक माई ओन मार्क, स्टैंडिंग ऑन माई ओन टू फीट. तो थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा तो बहुत है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट मेक माई मदर प्राउड. 10-20-30 साल बाद कोई मॉम को देख के बोलेगा वो अभिमन्यु की मॉम है तो मैं खुश हो जाऊँगा. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. राधिका, अभिमन्यु और गोल्शन, वो कौन सी चीज़ है जिसके जहन में ख्याल आने से ही दर्द होता सबसे ज़्यादा? कौन सी ऐसी चीज़ है जहन में आते ही ख्याल दर्द होता आपको? कौन सी ऐसी चीज़ है जो जहन में आते ही दर्द होता है आपको? ट्रेनिंग के बारे में सोचती हूँ जब. तो यार बहुत मतलब पिल गई हूँ मैं तो. बहुत मेहनत की यार. अभिमन्यु, कौन सी चीज़ या जहन में आते ही दर्द होता है? किस चीज़ को सोच के सबसे ज़्यादा दर्द होता है? कि इसके बाद मैं वासन सर को कभी मतलब मिलूँगा. आई स्वेयर लाइक आई स्पेंड सो मच टाइम विद वासन सर इन द लास्ट 3 इयर्स दैट आई बीन विद हिम. और मैंने उनसे इतना 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 कुछ सीखा है. तो आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट. एनी थिंग दैट दिस फिल्म डज फॉर मी और हैज़ ऑलरेडी डन फॉर मी इंटरनेशनली, इट्स बिकॉज ही बिलीव्ड इन मी दैट आई स्टार्ट बिलीविंग इन माई सेल्फ. एंड एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ सेव माई लाइफ. गुलशन, टूटे हुए दिल के बारे में सोच के बहुत दर्द होता है. यही तो सुनना था उन्हें लास्ट में मिला यहाँ. ब्रेकअप पैचअप की कहानी. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां फॉर मर्द को दर्द नहीं होता की टीम. एंड ऑफ कोर्स द कमाल के डायरेक्टर साहब यहाँ पे. या वी विल हैव अ क्विक फोटो अप नाउ.